अब देखिए, आज पंचायत विभाग की बैठक हुई, जिसके बाद पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बैठक से जुड़ी कुछ जानकारियां दी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंचायत विभाग की यह बैठक हुई थी। सीएम ने पंचायत को 1800 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही पंचायत को पहले मिली राशि से अलग होगी ये राशि, ये बताया गया है। 500 करोड़ रुपए की राशि से गांव में बनवाए जाएंगे सामुदायिक केंद्र। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों को विकास कार्य में तेजी लाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सभी जनकल्याण की योजनाओं का फीडबैक भी लिया। इसके साथ ही 5000 के करीब आबादी वाले गांवों की फिरनियां होंगी पक्की, ये फैसला भी लिया गया है। और क्या कुछ कहा है पंचायत मंत्री ने इस बैठक को लेकर, जानकारी और क्या दी है आपको सुनाते हैं। देखिएगा, जो डेवलपमेंट कार्य है उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट फीडबैक और हमारे जिला प्रतिनिधि चेयरमैन हैं और हमारे जिला से अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। धरातल पर डेवलपमेंट जो कागजों में थी उसको धरातल पर जाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है और जो पैसे की जवाबदेही सुनिश्चित हो, तय हो, ये हमने मिलकर इंश्योर किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहले पैसा फुर्द बुर्द होता था, आज जो व्यवस्थाएं हमने चेंज की, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उससे अब गांव के अंदर सिर्फ गांव, गली, नाली और चौपाल से आगे बढ़ा है। कम्युनिटी सेंटर, सभी कम्युनिटी को लिए कम्युनिटी सेंटर, जो आज तक इतने भव्य बिल्डिंग आज तक किसी सरकार के सपन में नहीं आई थी, हमने डिलीवर करने का, गाँव में ले जाने का हमने कार्य किया। जोड़ों हम ठीक कर रहे हैं, पार्क व्यायामशालय व्याक्रम भी मिल रहे हैं गाँव के अंदर, पुरानी बिल्डिंगों को रेनोवेट करके उसमें ई लाइब्रेरी है, आधुनिक जिम है, अनेकों अनेक कार्य मैं कह सकता हूँ हमारी सरकार के द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा गाँव के डेवलपमेंट के लिए करवाई जा रही है। उसी की एक रिवाइज मीटिंग थी, वो रिवाइज किया है और इक्का दुक्का जगह है और जो कार्य हुए हैं उसके लिए जो अधिकारी ने पॉजिटिविटी दिखाई है, अपने कामों को सीरियस कर दिया है, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और इसमें अभी बहुत और काम करने की हमें जरूरत भी है और काम को गति देने की जरूरत है, उसकी तरफ हम विकास की गति को देने के लिए हाँ बिल्कुल, उसमें पीआरआई का जो फंड है वो प्रॉपरली खर्च नहीं हो पा रहा है, अधिकारी सरकार की तरफ से भी उसको गति देने का काम किया। तो पिछले 2022-23 का बजट था 1100 करोड़ रुपए, उससे लगभग डबल बजट 23-24 का पीआरआई का हमारी जो पंचायतों में उसमें उपयोग किया जाएगा, उसका आप हाउसों में अपने पूरे साल का एक हमला तैयार करके उसके नेट डेवलपमेंट प्लान करवाए जो तो गाइडलाइन सरकार की है। इसी प्रकार एचआरडीएफ से अन्य जो बजट है वो माननीय मुख्यमंत्री घोषणा है, जैसे 500 करोड़ रुपये के आसपास आज माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो हमारे हिंदी सेंटर बनेंगे, हमारे शिवधाम हैं उसके लिए 200 करोड़ रुपये उनकी तरफ से, पार्क और व्यायामशाला के लिए, इसी प्रकार फिरनियों के लिए अलग से बजट करीबन इनका 3-4 जो डेवलपमेंट के कार्य हैं करीबन 1800 करोड़ रुपये एक डिपार्टमेंट को और हमारे जो चेयरमैन साहब ने काम किया कि उन कामों के नेक्स्ट बजट आप प्रस्ताव देना है, वो पैसा सरकार देने का काम करेंगे ताकि हमारा गाँव और आगे बढ़ सके। जो आपने कम्युनिटी सेंटर तो ये आबादी के हिसाब से इसका एक ब्लॉक में कंस्टिट्यूंसी आबादी अभी ये तो नहीं कह सकते हर गांव में, लेकिन एक ये कदम हमने बढ़ाया है आने वाले समय में जो चहुमुखी विकास जिसको आप कह सकते हो और जो शहरीकरण की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित थी वो धरातल पे आने को गांव में नजर आएंगे। ये एक बड़ा प्रयास सरकार का कह सकते हैं, बड़ा कदम कह सकते हैं, बड़ा एक परिवर्तन कह सकते हैं और एक मजबूत कदम कह सकते हैं। चेयरमैनों ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, क्या उनकी हाँ बिल्कुल सुझाव आए हैं बजट तो है ही डेवलपमेंट कर जा रहा है, अन्य भी दो भागों से भी डेवलपमेंट है, जल इन्फॉर्मेशन के तहत गाँव में जल के माध्यम से हर घर में जल के माध्यम से जल देने की बात है, अन्य भी बाहर के काम करें, लेकिन ये एचआरडीएफ का बजट स्पेशल पर्टिकुलर अब ये जो एक साल बच रहा है तो इस एक साल में क्या मानते हैं कि क्या जमीनी स्तर पर देखिए जो मुफ्त में कार्यक्रम किया था
शिफ्ट हुई, उसी दिन से हमने किसी दिन के साथ हम भारतीय सोचती माननीय मुख्यमंत्री सोचती मेरी सोचती उसको हम ग्रेजुअल ले जा सके। काम को अपनी थोड़े में जो समय लगेगा वो लगेगा, लेकिन एक मजबूत कदम डेवलपमेंट की तरफ हमारी सरकार ने बढ़ाए हैं। और गली नाली छुपा जरूर थी इनकी, इससे आगे अब गांव बढ़ चुके हैं, गांव में शहरीकरण की जो बात थी वो सुविधाएं कम समय में गांव में नजर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, जिनका कहना है कि क्या पहले गाँव में नालियों और सफाई व्यवस्था तक जो है विकास होते थे, लेकिन इस बार शहरीकरण जो है गाँवों को किया जा रहा है, इस तरह के विकास की योजना बनाई है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक, कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर चंडीगढ़।